हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज लेट्स स्पेल इंग्लिश। आज मैं इस वीडियो में प्रीपोजिशन बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड यस डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। तो चलिए देखते हैं प्रीपोजिशन। देखिए प्रीपोजिशन ये होता क्या है, पहले इसे समझते हैं। प्रीपोजिशन जो है वो वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, जैसे कि इन, फ्रॉम, टू, ऑट, ऑफ एंड ऑन, बिहाफ ऑफ, जो कि यूज होता है नॉन और प्रोनाउन से पहले। क्यों यूज होता है ये? क्योंकि ये प्लेस, पोजिशन, टाइम और मेथड को शो करता है ना। तो चलिए प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस को एक एक करके देखते हैं, है ना। सबसे पहले देखिए इन, देखिए यहाँ पे एक बॉक्स शो कर रहा हूँ मैं और इसमें एक बॉल है ना। तो बॉक्स के अंदर बॉल है तो ये यहाँ पे यूज होगा प्रीपोजिशन इन। एग्जांपल देखिए, द बॉल इज इन द बॉक्स, है ना। बॉल है वो बॉक्स में है, द बॉल इज इन द बॉक्स। नेक्स्ट देखते हैं ऑन, अगर बॉक्स के ऊपर हो बॉल और ऊपर का जो सरफेस है बॉक्स का वो टच करता हो बॉल से, दोनों का सरफेस एक दूसरे से टच कर रहा हो, तो वहाँ पे प्रीपोजिशन हम ऑन यूज करेंगे, है ना। द बॉल इज ऑन द बॉक्स, बॉक्स के ऊपर है ना बॉल, तो द बॉल इज ऑन द बॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अंडर, अंडर इसका मतलब होता है नीचे, तो अगर बॉक्स के नीचे है बॉल तो वहाँ हम प्रीपोजिशन यूज करेंगे अंडर। द बॉल इज अंडर द बॉक्स, है ना। नेक्स्ट इसका मतलब होता है आगे, द बॉल इज नेक्स्ट टू द बॉक्स, बॉक्स के जस्ट आगे है बॉल, है ना। नेक्स्ट देखते हैं बिहाइंड, बिहाइंड इसका मतलब होता है पीछे, द बॉल इज बिहाइंड द बॉक्स, बॉक्स के पीछे बॉल है। नेक्स्ट देखते हैं अगेंस्ट, अगेंस्ट इसका मतलब होता है की ओर, मतलब कि एक दूसरे के टूवर्ड्स होना, ठीक है। तो यहां होगा सेंटेंस, द बॉल इज अगेंस्ट द बॉक्स। नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखते हैं प्लेस के लिए, बिटवीन, बिटवीन अगर दो बॉक्स के बीच में बॉल हो तो वहाँ पे हम बिटवीन यूज करेंगे, है ना। दो चीज़ों के बीच कोई भी चीज़ हो तो वहाँ पे हम बिटवीन यूज करते हैं, तो द बॉल इज बिटवीन द बॉक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अबव, ये हाई लेवल को दिखाने के लिए यूज होता है, जो कॉन्टेक्ट या टच में ना हो, है ना। अबव कोई सरफेस टच ना करता हो, जैसे कि जो ये बॉक्स है बॉक्स के सरफेस को बॉल टच ना करता हो, उसके जस्ट ऊपर हो, एबव हो, वहाँ पे हम यूज करेंगे ये प्रीपोजिशन, ठीक है। देखिए एग्जांपल, माय हाउस इज सिचुएटेड एबव द सी लेवल, मेरा जो घर है वो सी लेवल के ऊपर है ना। नेक्स्ट है बिलो, जो कॉन्टेक्ट या टच में ना हो और नीचे हो, ठीक है। तो द बॉल इज बिलो द बॉक्स, यहाँ एक बात आप नोट करना, एभव है वो जस्ट अपोजिट है बिलो का, एक दूसरे का अपोजिट है ये दोनों। नेक्स्ट है फार फ्रॉम, यहाँ देखिए बॉक्स से कुछ डिस्टेंस पे बॉल है तो यहाँ पे यूज होगा फार फ्रॉम, द बॉल इज फार फ्रॉम द बॉक्स। नेक्स्ट देखते हैं एमंग, देखिए बिटवीन और एमंग में डिफरेंस ये है कि बिटवीन दो चीज़ों के बीच में अगर कोई एक चीज़ हो तो वहाँ पे हम बिटवीन यूज करेंगे, और एमंग दो या दो से अधिक चीज़ें हो, जैसे कि दो या दो से अधिक बॉक्सेस हो, है ना, और उसके बीच में बॉल हो, तो वहाँ पे हम एमंग यूज करेंगे, ठीक है। लेट्स हैव एन एग्जाम्पल, बॉल इज अमंग द बॉक्सेस, बॉल जो है वो बॉक्सेस के बीच में है, बहुत सारे बॉक्सेस हैं उसके बीच में है। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये प्रीपोजिशन का पार्ट वन था, नेक्स्ट वीडियो होगा प्रीपोजिशन का पार्ट टू, ठीक है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।